हानका डोगरा के हवाले से, हानका डोगरा गंदम खरीदारी सेंटर में मुबैना करप्शन के खिलाफ काश्तकारी ने सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया, जिस पर मुतलका अफसरान मरकज खरीदारी गंदम छोड़कर गायब हो गए। हानका डोगरा में इंचार्ज सेंटर गंदम खरीदारी राना हजर हयात और कोऑर्डिनेटर ने शुरू दिन से ही पैसे दो और बारदाना की पॉलिसी अपना रखी थी कि पैसे दो और बारदाना लो। छोटे काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर सेंटर पहुंच जाते हैं और सारा दिन कतारों में खड़े होकर मायूस वापस लौट आते हैं। काश्तकारों का कहना है कि इंचार्ज सेंटर राना हजर हयात और कोऑर्डिनेटर सेंटर जफर शाह तरमजी भारी रकम वसूल करके मनपसंद आड़तियों को बारदाना दे रहे हैं। इस गैर मुसनफाना और करप्शन पर मबनी तकसीम के खिलाफ काश्तकारों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पंजाब हुकूमत और इंचार्ज सेंटर के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी भी की। जमींदारों ने वजीर आला पंजाब से इस मेगा करप्शन का फौरी नोटिस लेने और मेरिट पर बारदाना की तकसीम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। आप अपने शॉर्ट में देख सकते हैं बगैर पैसों तो बगैर तलक तो बारदाना नहीं मिल रहा। पैसे राणा खिजर लै रहा, शाह भी लै रहा, सारे बंदे जिन्नू भी बारदाना मिल रहा बगैर पैसे तो कोई एक बंदे भी तोड़ा नहीं मिलिया। हाथ पर डाटा डाला जा रहा है, हमें एक तोड़ा भी नहीं मिला। 11 चाक है, एक नंबर 280 रुपए का चाक है। 11 चाक का इंतजामिया का क्या कहना है इसके बारे में? इसके मतलब का इंतजामिया जो है वो फ्रॉड कर रही है, 30 रुपए तोड़ा जो बेच रहे हैं। राणा खिजर याद कर रहा है और शाह जो जफर शाह है वो कर रहा है। 3 तारीख को एप्लीकेशन जमा करवाई है, जिम्मेदार हूँ और मेरा अभी तक नाम नहीं आया। जो लोग सिफारशी है, जो सिफारशात करते हैं, आज भी कुछ लोगों ने सीडीआर बनवाई है उनको दे रहे हैं और जो मेरिट पे आते हैं उनको नहीं दे रहे। एक तरफ तो वज़ीरे आला कह रहे हैं की हम गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन इधर कह रहे हैं 18 तारीख को हम गोदाम बंद कर देंगे, लेकिन हमारे इधर 2000 से ज्यादा दरखास्तें पड़ी हैं, वो कहां पर जाएंगी? हम गरीब किसान हैं, हमें पिछली चावल की फसल में भी काफी नुकसान हुआ है, ये क्या बनेगा हमारा? इसलिए तो हम मर जाएं वो बेहतर है। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात लेते हैं मुदस्सर भट्टी से। मुदस्सर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर भट्टी, आप इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि करप्शन जो है वो हो रही है, करप्शन के सबूत भी मिल चुके हैं कि करप्शन की जा रही है, बारदाना की तकसीम जो है वो तरीके से नहीं की जा रही, इंसाफ के साथ नहीं की जा रही, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई? जी बिल्कुल जी, जहाँ पर और तकनीकी ने जो छोटे काश्तकार है उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन जो असर बात है और मन पसंद जिनके आदमी है जो रिश्वत देते हैं उनको, वो उनको ये बारदाना तकसीम कर देते हैं। लेकिन इसी सूरत हाल पर काश्तकारों ने टायर चलाकर शदीद एहतजाज किया और रोड बंद कर दिया और इससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी, जिस पर मकामी ऐसा जो अमदाज शाह बारी नबी का अमरा वहाँ पर पहुंच गया और उन्होंने काश्तकारों के साथ मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात कामयाब नहीं हो रहे। फिर तकरीबन एक घंटे वगैरह बाद तकरीबन जैसी सफराबाद वहाँ पर तशरीफ लाए, उन्होंने काश्तकारों के साथ मुलाकात किए हैं और उसके बाद उन्होंने रोड को खोल दिया, लेकिन उन्होंने मुलाकात में इन्होंने एक टीम तश्कील दी है जहाँ पर ये काश्तकार उनके हवाले से इनके बात करेंगे। लेकिन हम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि जो छोटे जिम्मेदार हैं लेकिन उनको आज तक किसी ने भी कोई बारदाने का एक चला भी नहीं मिला। वो सूरत हाल बताता चाहूँगी, यहाँ पर जब ये हमारे जाय का कहना है गंदम के वजन में भी ये अफसरान करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की मिली भगत के साथ ये काश्तकारों को टीका लगा रहे हैं और काश्तकारों को कहना है की वजीर आला पंजाब से इस नोटिस दे और इनके जो अपराध है इनके खिलाफ बैकमाना कार्रवाई की जाए और जेल भेजा जाए। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर अली भट्टी, नुमाइंदा दिन न्यूज़ हानका डोगरा से इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। काश्तकार जो के किसान जो के किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्हें मुसलसल जलीलो खवार किया जा रहा है, उन्हें बारदाना की तकसीम में भी करप्शन का शिकार किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि काश्तकार जो हैं वो सुबह से आते हैं और लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बारदाना की तकसीम जो है वो सही तरीके से नहीं की जाती है। पैसे दो और बारदाना लो वाली जो पॉलिसी है वो अपनाई गई है, जिसके बिना पर जो कमज़ोर और गरीब काश्तकार हैं उनको बारदाना तकसीम नहीं किया जाता।